हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये वीक कैसा जाएगा, विच इज़ फ्रॉम 23rd September टिल 30th September। तो हम एक एक जोडियाक देखने वाले हैं, एक एक राशि देखने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। सो वी विल बी चेकिंग द थीम आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर को लेके क्या होने वाला है। सो सबसे पहली चीज़ ये कि जो थीम है वो लेटिंग गो का कार्ड आया है। सो आई डू फील कि आप कोई रिलेशनशिप है, कोई बॉन्ड है जो आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो। आपको ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी पास्ट की मेमोरीज हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत हॉन्ट कर रही हैं। कोई पास्ट रहा है आपका ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। किसी पर्सन ने कैसे आपको ट्रीट किया है पास्ट में, वो शायद से आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो वो लेट गो करने का टाइम आ चुका है अब। कुछ ऐसी मेमोरीज को लेट गो करने का टाइम आ चुका है, इस पर्सन को लेट गो करने का टाइम आ चुका है। कुछ लोगों के लिए ना आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा फॉरगिव करने की भी नीड है, ठीक है, कि जो भी पास्ट में हो गया वो हो गया। आप कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्रजेस होल्ड करके बैठे हुए हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके। वो ग्रजेस होल्ड आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, चीज़ों को पकड़ के आपको नहीं रखना है, बिकॉज़ ये जो भी पास्ट है ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है, आपको फ्यूचर में आगे जाने से रोक रहा है, ठीक है। इस वजह से आपका जो प्रेजेंट है वो पास्ट की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक दिख रहा है, एरीज। आई ऑल्सो मेरे को एक मैसेज यहाँ पे और मिल रहा है एरीज के लिए। मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक ऐसी पर्टिकुलर मेमोरी है जो आपके दिमाग में ना ऐसे बसी हुई है, कि मतलब कुछ भी ट्रिगर होगा ना वो आपको सीधा वही मेमोरी याद आती है। कुछ लोगों के लिए कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड में कोई ऐसी चीज़ हुई है या कुछ ऐसा शॉकिंग हुआ है जिसकी वजह से आप उस मेमोरी को हटा ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप सच में इस चीज़ को हटाना चाहते हो तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है इस वीक में। सेकेंडली अबाउट योर लव लाइफ, तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है जो यहाँ पे अगर आप एक मेल हैं, कुछ लोगों के लिए फीमेल्स के लिए भी ये कार्ड है एक्चुअली। आई डू सी कि हो सकता है कोई पर्सन को आप किसी नए पर्सन को आप डेट करो एंड वहाँ पे जो भी आपके एक्स पर्सन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड फील करेंगे, बिकॉज ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली टैब रख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन दिखाएं कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है या ये मूव ऑन हो चुके हैं या कुछ भी ऐसा, बट दिस पर्सन इज़ कीपिंग अ टैब ऑन यू। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बट इस पर्सन की ईगो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे नहीं। तो वो सिचुएशन मुझे दिख रही है। एंड आपका मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई और पर्सन है जो आपको परस्यू करना चाह रहे हैं, सो वहाँ पे एक इंटरेस्ट आपका मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप किसी से बात करो, आप किसी के साथ डेट पे जाओ, एक वो सिचुएशन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे एक रिवेंज वाली चीज़ भी दिख रही है आप लोगों के लिए, कि अगर किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ भी ऐसा किया है तो आप भी वही सेम चीज़ करते हुए दिख रहे हो, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो अगर ये आपके साथ हुआ है तो आप ये चीज़ किसी और, मतलब आप वही चीज़ करते हुए दिख रहे हो एज अ रिवेंज काइंड ऑफ अ थिंग। और अगर आपके साथ नहीं हुआ तो ये आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं। तो कोई एक ऐसी सिचुएशन है, आपको पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। साथ में अगर आपके पर्सन जो हैं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि इस पर्सन का डेफिनेटली एक टावर मोमेंट होने वाला है, ट्रुथ रिवील होगा इस पर्सन का। उस पर्सन के साथ चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, बिकॉज ये पर्सन कोई कार्मिक कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं। अबाउट योर करियर, करियर में आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो, ठीक है, आपके अंदर काफ़ी नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, एक न्यू इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा है, नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, नए आइडियाज़ को अप्लाई करना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आई वुड से एक्टिवेटेड फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इट्स लाइक एक आपको ना कोई इंस्पिरेशन मिल रही है, ठीक है, अपने करियर में। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है वो आपको और मोटिवेट कर रही है, वो आपको और ज़्यादा इंस्पायर कर रही है टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। और ये बेटर वर्जन आपके करियर से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। सो दैट इज़ डेफिनेटली देयर। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते हुए दिख रहे हो, उन पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, तो ये एनर्जी होने वाली है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है
सो वी हैव इनर वॉइस जो आपका थीम होने वाला है वहाँ पे. आई डू फील कि थीम के अंदर आपको थोड़ा सा ना उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करना जो आप अपनी आँखों से देख रहे हो, चाहे वो अच्छी हैं या वो बुरी हैं. ठीक है, थोड़ा सा आपको अंदर झांक के देखने की नीड है, थोड़ा सा अपनी मन की आँखों से देखने की नीड है. बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कंप्लीट डिनाइल में हो, आपकी जो इंट्यूशन है वो हर चीज़ देख पा रही है, एक आपकी इनर वॉइस है जो आपको सब कुछ बता रही है, जो हर ट्रुथ को समझ रही है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसकी क्या इंटेंशन है, क्या नहीं है. बट आप ऐसा लग रहा है कि आपका एक माइंड वाला जो पार्ट है ना वो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है क्योंकि उसको एक ही चीज़ को बिलीव करना है. ठीक है, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है या कुछ ऐसा, एंड आप इतने अपनी लाइफ में थक चुके हो कि आप इस फेकनेस को भी आप बिलीव करना चाहते हो कि यू नो काश ऐसा ही हो, तो इसलिए आप अपनी इंट्यूशन की इतनी ज़्यादा सुन नहीं रहे हो. तो वो चीज़ दिख रही है. दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप अपने रूम में अपने बेड के साइड में अगर आप वाटर रखते हो, ग्लास बोल में वाटर, ऐड सम हिमालयन सॉल्ट इनटू इट, वो चीज़ अगर आप रखोगे आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी स्ट्रॉन्ग होने में. क्लियर क्वार्ट्ज रखना, एमेथिस्ट जो क्रिस्टल होता है वो रखना, व्हाट डू यू कॉल दिस, ब्लैक टर्मलिन रखना, ठीक है, ऑनिक्स रखना, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा टू गिव यू द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो भी आपको नीड है जानने की. कमिंग टू योर लव लाइफ, लव लाइफ के अंदर आई डू फील कि आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से अपने हार्ट को फॉलो करते हुए दिख रहे हो. जो भी आपकी हार्ट की कॉलिंग है, जो भी आपके डिज़ायर है, उस चीज़ को आप फुलफ़िल करते हुए दिख रहे हो. आप काफ़ी गिविंग भी करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, आपको रिसीविंग भी मिल रही है एंड गिविंग भी हो रही है, दोनों चीज़ें काफ़ी इक्वली यहाँ पर हो रही हैं. साथ में मुझे ना एक ये भी चीज़ लग रही है कि हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो इस पर्सन के साथ, बट दिस there's a situation जो लोग already किसी के साथ हैं उनके लिए है, okay? बट देर अ सिचुएशन जहाँ पे एक गिव एंड टेक है, जहाँ पे एक पैशन है, जहाँ पे यू वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, बट यू हैव केप्ट योर हार्ट असाइड. अभी आप इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हो, उस चीज़ के अंदर एक टाइम लगेगा. एंड जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं वहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट कि किसी एक्स पर्सन का या कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, आप दोनों की काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रही है, वो पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, वो पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही हिट एंड ट्रायल मेथड वाले पर्सन है. इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है कि मुझे टॉरस ही चाहिए, मुझे वृषभ राशि ही चाहिए या कुछ भी ऐसा. ये पर्सन है कि हाँ ठीक है यहाँ पे हुआ तो ठीक है, वरना कोई और, यू नो, इस टाइप की इस पर्सन की थोड़ी सी एनर्जी है जिसको लेके आपको थोड़ा केयरफुल रहना है. टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर के अंदर आपके अंदर फुल क्लैरिटी है, ठीक है, आपको पता है कि आपके नेक्स्ट 3 साल के गोल्स क्या हैं, आपको पता है आपके 5 साल के गोल्स क्या हैं, आपको ये चीज़ पता है कि आपको अभी क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप किस चीज़ पे वर्क करना है. तो काफ़ी प्लानिंग और बहुत ही सटीक प्लानिंग, ठीक है, क्लैरिटी वाली प्लानिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है. एक एक चीज़ को लेके क्लियर होना, एक एक चीज़ को लेके सिस्टमैटिक होना कि अभी मुझे ये करना है, 2 साल के बाद मैं ये करूँगी या करूँगा फिर मुझे, तो इट्स ऑल सिस्टमैटिक, ठीक है. और ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ सिस्टम भी जाओगे या कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे आपके गोल्स खराब हो सकते हैं या विशेस पूरी नहीं होंगी. नो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आपने सोचा है, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिख रहा है. लेट्स सी जेमिनी के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है. सो फॉर जेमिनी आई डू फील कि जैसे जैसे आपकी लव लाइफ में चेंज आएगा वैसे वैसे आपके करियर में चेंज आएगा, ठीक है. आप लोगों के लिए जो पूरा वीक है ये है ही चेंज का वीक, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज आता हुआ दिख रहा है. एंड ये जो चेंज है वो ऐसा भी है जहाँ पे आपके लव लाइफ के रास्ते खुल रहे हैं, आपके करियर के रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है, एक अलग ही जर्नी खुलती हुई दिख रही है जहाँ पे आपको काफ़ी अबंडेंस मिलती हुई दिख रही है. आप काफ़ी इमोशनली फुलफिल्ड फील करने वाले हो इस वीक के अंदर, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली फुलफिल्ड फील करोगे. करियर में भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप और ज़्यादा पास जा रहे हो अपने करियर के, और ज़्यादा पास जा रहे हो करियर के. तो
वो एनर्जी है। सेकंड, कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बॉन्ड है किसी पर्सन के साथ वो प्रोटेक्टेड है या नहीं, तो वो डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंज भी आता हुआ दिख रहा है। फाइनली वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो आपके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें पहले रिवर्स में जा रही थी, आपके फेवर में नहीं थी, कहीं ना कहीं बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे थे आपकी लाइफ को लेके, वो ब्लॉकेजेस हटते हुए दिख रहे हैं। ओके, सैटर्न, अगर आपने कोई डिसिप्लिन फॉलो किया है, ठीक है, क्योंकि सैटर्न जो है वो बहुत डिसिप्लिन्ड लॉर्ड हैं, राइट। तो अगर आपने वो डिसिप्लिन फॉलो किया है तो उस डिसिप्लिन का आपको रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, जैसे जैसे ये सैटर्न रेट्रोग्रेड एंड होगा। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ को लेके, लव लाइफ में आई फील कि आप किसी को काफ़ी पैम्पर करते हुए दिख रहे हो, या आपको कोई काफ़ी पैम्पर करते हुए दिख रहा है। आपके जो इमोशनल डिज़ायर हैं, आपको वो रियलाइज़ हो रहा है कि आपके इस पर्सन के साथ कंप्लीट हो सकते हैं, इस पर्सन के साथ फुलफ़िल हो सकते हैं वो डिज़ायर्स, तो आप इस पर्सन के पास जाते हुए दिख रहे हो, वो यूनियन होता हुआ दिख रहा है। एंड दोनों ही कार्ड्स यूनियन के आए हैं, आपके करियर में भी यूनियन है एंड आपकी लव लाइफ में भी यूनियन है। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाओ, या करियर से कोई पर्सन है जिसके साथ आप आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहोगे, वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बट साथ साथ ना मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपके करियर के हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आपकी वर्क लाइफ से ये पर्सन है, सो आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपको मज़े आए और ये सब चीज़ें, ठीक है, एक प्लेफुलनेस वाली चीज़ दिख रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप अंदर से इतना इमोशनली फुलफिल्ड नहीं फील करोगे इस पर्सन के साथ। ओके, ये पर्सन में कोई कमी नहीं है, ठीक है, ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, काफ़ी लाइवली पर्सन हैं और ये सब चीज़ें, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आउट ऑफ फॉर्मेलिटी कुछ चीज़ें कर रहे हो, यू नो, जस्ट मन रखने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इस टाइप की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है अगर ये स्पेसिफिकली करियर को लेके है ये पर्सन, ठीक है। और अगर ये पर्सन आपके कोई फ्रेंड सर्कल से हैं, आपकी लाइफ में कोई एक्स पर्सन रहे हैं, या आप दोनों को ऑन ऑफ चलता है, तो वहाँ पर आप दोनों के अंदर एक इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। कमिंग टू योर करियर, करियर में आई डू फील कि आपकी जो क्रिएटिव साइड है और आपकी जो इंटेलेक्चुअल साइड है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे आपको अपना इंटेलेक्ट यूज़ करना है वहाँ पे आप इंटेलेक्ट यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आपको कुछ क्रिएटिविटी यूज़ करनी है वहाँ पे आप क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हो। इट्स लाइक अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का इनर यूनियन आपके करियर में होता हुआ दिख रहा है। ओके, बहुत बैलेंस तरीके से चलना, अगर ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हो तो बहुत काम ही किए जा रहे हो, बहुत मोनोटोनस काम किए जा रहे हो, क्रिएटिविटी भी है, स्ट्रक्चर भी है, डिसिप्लिन भी है, उस टाइप की एक एनर्जी मुझे आपके करियर के अंदर दिख रही है इस वीक में। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो थीम के अंदर सी, अभी आपकी रिसेंटली आपने कोई नई जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है, कोई नया फेज है आपकी लाइफ का जो स्टार्ट हो रहा है, अभी कम्प्लीटली हुआ भी नहीं है। ओके, काफ़ी लोगों के लिए आपकी फैमिली लाइफ को लेके हो सकता है, आपकी होम लाइफ को लेके हो सकता है, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्लो। जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे वो आएंगे तो लॉन्ग टर्म के चेंजेस, बट वो बहुत स्लो चेंजेस आएंगे। ये वीक भी बहुत ज़्यादा स्लो होने वाला है। जो भी आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मेजर चेंजेस आएंगे, बट वो बहुत छोटी छोटी सिचुएशंस के साथ आएंगे, छोटी छोटी चीज़ें करके आएंगे, यू नो, तो इस वजह से आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत स्लो जा रही हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो जा रही है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ रहा है, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर भी हो रहे हो, ठीक है, आपको एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस। कहीं ना कहीं पहले आप अपनी सेफ्टी बाहर ढूंढते थे, अपनी रिलेशनशिप्स के अंदर, यू नो, ये सब चीज़ें, लेकिन अब आप अपनी इमोशनल सेफ्टी अपने अंदर ढूंढने वाले हो। तो जब हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप समझ लो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। सो जब आपकी ये इमोशनल सेफ्टी विद इन वाली जर्नी स्टार्ट होगी, चेंजेस स्लो होंगे, इश्यूज आएंगे, आप डिसअपॉइंटेड फील करोगे, बट एट द सेम टाइम आप बहुत खुश भी फील करोगे। ओके, कमिंग टू योर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में मुझे एक बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी दिख रही है, एंड ये सिर्फ आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली भी है, जहाँ पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि लोग आपको बहुत, यू नो, आपको यूज़ करके बैक स्टैब करके चले जाते हैं,
ओके एक इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिख रही है. कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, जहाँ पे आपने इनसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया था. आप काफ़ी होपफुल थे कुछ लोगों को लेके अपनी लाइफ में जो आपके काफ़ी क्लोज थे, लेकिन इन्होंने शायद से आपको वो जगह नहीं दी, या इन्होंने आपकी वो एक्सपेक्टेशंस जो आपने इनके साथ सोची थी या इनके इनको लेके रखी हुई थी, वो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में कोई एक ऐसा भी पर्सन नहीं है जिसके ऊपर आप कंप्लीट ट्रस्ट रख सको. ठीक है, तो आपकी इमोशनल नीड्स कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुई हैं या नहीं हो रही हैं, इस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा सैड फील कर सकते हो, थोड़ा सा अपसेट फील कर सकते हो. ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट योर करियर, करियर में अगर आप कोई अपना खुद का कोई चैनल है, कोई भी कुछ अपना खुद का स्टार्ट करना चाहते हो, आपको डेफिनेटली करना चाहिए. आपको इंक्रीमेंट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, आपको यू नो प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है. बट इट्स लाइक यूनिवर्स आपको ना करियर में बहुत खुश करने वाले हैं. करियर में आप कुछ कम्प्लीटली नई जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, कोई नया एडवेंचर है आपकी लाइफ में जो आता हुआ दिख रहा है, ना आपका काफ़ी फोकस भी होने वाला है इस चीज़ के ऊपर, ना आपको बोला भी जा रहा है कि आपको अपना फोकस किसी क्रिएटिव चीज़ के ऊपर लेके जाना चाहिए रादर दैन ऑन दीज रिलेशनशिप्स, बिकॉज आप बहुत इमोशनल हो. लेकिन जब आप अपने इमोशंस को अपने काम में लेके आओगे, सो योर वर्क विल स्टे वेरी कमिटेड टू यू. ठीक है, योर वर्क इज़ नेवर गोइंग टू लीव यू. सो यू नीड टू चैनलाइज योर इमोशंस. आपको अपने इमोशंस को चैनलाइज करने की नीड है टूवर्ड्स योर वर्क. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लियो, यानी कि सिंह राशि. सो सिंह राशि वालों के लिए जो थीम है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डरे डर रहे हो. ठीक है, बहुत बच बच के चल रहे हो. आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ कोई और ना ले जाए, यू नो आपके कोई आइडियाज़ ना चुरा ले. बहुत सीक्रेटिव रहना, इनसिक्योरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, कंपैरिजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हर चीज़ को लेके इनसिक्योर हो जाना. कुछ लोग अपनी यू नो अपनी ब्यूटी को लेके इनसिक्योर हो रहे हैं, कुछ लोग अपने पैसों को लेके इनसिक्योर हो रहे हैं. कोई नज़र ना लगा दे इसलिए इस चीज़ को छुपा के रखो, ये करो वो करो. बट जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के इस एनर्जी को घास डालोगे, यू नो बच बच के रहना, नज़र ना लग जाए, इस टाइप के माइंडसेट को, उतनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ेंगी, उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपको नज़र लगेगी. सो नज़र लगवाना ना लगवाना आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में. क्या आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपको आप ये चीज़ कह सको, हाँ ये चीज़ मेरी है एंड मुझसे ये कोई नहीं लेके जाएगा, ये डेस्टिनी में है मेरे और मुझसे ये कोई नहीं लेके जा सकता. जो आपकी डेस्टिनी में वो आपके पास ही रहेगा, कोई कितनी कोशिश कर ले कोई नहीं लेके जा सकता. बट अगर आपने खुद से कहीं से कुछ चुराया है, या आपका एक माइंडसेट है बहुत लैक वाला, या यू नो इस टाइप का माइंडसेट, देन ऑब्वियसली कि इस चीज़ में आपकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता. राइट, टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, लव लाइफ में आई डू फील कि फ़िलहाल तो आप थोड़ा सा ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो. एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके कोई क्रश हैं. ठीक है, तो हो सकता है आप इस पर्सन को दूर से चेकआउट कर रहे हो, आप दूर से यू नो सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो और ये सब चीज़ें, या कोई पर्सन आपको कर रहा है. बट अदर दैन दैट मुझे लव लाइफ में इतना कुछ नहीं दिख रहा, बिकॉज आई थिंक आपका फोकस अपने ऊपर ज़्यादा है. ठीक है, अपना ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना. आप में से काफ़ी लोग काफ़ी रिलैक्सेशन मोड में हो. ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करना, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना, तो आपका जो रिलेशनशिप वो नेचर के साथ ज़्यादा रहेगा इस वीक में, रादर दैन विद एनी पर्सन या विद योर पार्टनर और समवन न्यू. वो एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है बिल्कुल भी. बट हाँ, जो लोग डेटिंग ऐप्स पे हैं और ये सब चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें डेफिनेटली दैट इज़ देयर. कुछ ये कैंडीज जो है ये डेफिनेटली यहाँ पे हैं इस वीक में, बट नॉट एनीथिंग लॉन्ग लास्टिंग और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, लेट्स सी आपके करियर को लेके क्या मैसेज है. सो वी हैव इमोशनल विड्रॉल. तो करियर में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतना ज़्यादा जो भी आप कर रहे हो, आपके पास काफ़ी कुछ है करने को. ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर. आपके करियर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसको लेके आप काफ़ी आपको ग्रेटफुल फील करना चाहिए. बट तब भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे आपको लगे कि कुछ ना कुछ मिसिंग है.
ओके, आपको अपने करियर में ऐसा फील हो सकता है कि आप 100% देना चाहते हो बट आप दे नहीं पा रहे हो. वाई? बिकॉज कुछ ना कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ मिसिंग है करियर के अंदर, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो मिसिंग है. एंड वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो कि है आपकी खुद की हैप्पीनेस. ओके, लेट्स से कि आप कोई सोशल मीडिया पे हो, ठीक है, आप कुछ पोस्ट करते हो तो वो पोस्ट में हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हो लेकिन तब भी आपको वो खुशी नहीं होगी. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी इन दैट. ओके, तो कोई एक ऐसी चीज़ करना जहाँ पे आपको खुशी मिले, ऐसा कुछ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के अंदर भी. एटलीस्ट एक ऐसी चीज़ होना जो आपको खुश कर सकती है, एक ऐसी चीज़ होना जो आपको मोटिवेटेड फील करवाएगी कि कोई बात नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं भी मिल रहा है, इट्स ओके, बट आई एम डूइंग it for myself. Okay? तो ये एक एलिमेंट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मिसिंग लग रहा है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा विड्रॉल में रहोगे अपने करियर में. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि यानी कि वर्गो. सो इफ आई टॉक अबाउट थीम, आप जितना ज्यादा सप्रेस कर रहे हो अपने थॉट्स को, ठीक है, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हो, जितना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हो उतना ज़्यादा वो बाउंस बैक होके ऊपर आएंगी, उतना ज़्यादा वो बाउंस बैक होके ऊपर आती जा रही हैं, उतना ज़्यादा आप ट्रिगर्ड फील करोगे, उतना ज़्यादा परेशान फील करोगे. ठीक है, बहुत सारे थॉट्स दिख रहे हैं जो आपको इट्स लाइक अ नाइटमेयर फॉर यू. ठीक है, आपके थॉट्स आपकी सबसे बड़ी वीकनेस हैं. जो भी आप थॉट्स अगर आते हैं, कोई सिचुएशन है, पास्ट की सिचुएशन है जो आप लेट गो नहीं कर पाते, वो आपके दिमाग में चलता रहता है एंड कहीं ना कहीं अब आप थक चुके हो. ठीक है, अब आप कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे हो कि बस ये ख़त्म हो जाए. ठीक है, ये थॉट्स ख़त्म हो जाए. आई डू फील कि आप काफ़ी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, काफ़ी ऐसे नॉट्स हैं, फालतू के कॉर्ड्स हैं, यू नो, फालतू के कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनसे आप थक चुके हो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ले लेके. अब आप निकलना चाहते हो, अब आप फ्री होना चाहते हो कुछ रिश्तों से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि एक्सटर्नली कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो बढ़ती जा रही हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं. तो ये एक सिचुएशन कहीं ना कहीं रह सकती है इन दिस वीक. अबाउट योर लव लाइफ में थोड़ी सी क्लैशेज मुझे दिख रहे हैं. आई डू फील कि किसी पर्सन के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं. जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आई वुड से कि आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में ही रहना चाहिए बिकॉज अगर आप किसी पर्सन से बात करते हो तो वापस से क्लैशेस आएंगे, वापस से वो इश्यूज आएंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे बिकॉज आप दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकाल पा रहे हो. ओके, सो और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो या आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे जहाँ पे देयर वॉज लव बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइट्स और डिसएग्रीमेंट्स भी थी एंड आप दोनों को एक दूसरे को अपनी दिल की बात बोलने की नीड है. ठीक है, चिल्लाओ, कुछ भी करो बट यू बोथ नीड ईच अदर राइट नाउ. दिस इज़ व्हाट आई सी. आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा नीड है वेयर यू बोथ कैन शेयर, वेयर यू बोथ कैन एक्सप्रेस. बिकॉज ना ये पर्सन किसी और के पास जाएंगे एक्सप्रेस करने के लिए, ना आप किसी और के पास जाते हुए दिख रहे हो एक्सप्रेस करने के लिए, एंड आप दोनों ही अंदर घुटे जा रहे हो, अंदर ही अंदर अपने अंदर एक दूसरे को लेके बिटरनेस क्रिएट कर रहे हो, हर्ट क्रिएट कर रहे हो एंड वहाँ पे कोई सोल्यूशन ही निकल रहा. सो चाहे लड़ाई हो, डिसएग्रीमेंट हो, बट कोई कॉन्वर्सेशन है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ब्लेम डालने की कोशिश करे, ये सब चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं. टॉकिंग अबाउट योर करियर के अंदर काफ़ी अच्छी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं. आई डू फील कि कोई एक ऐसी फीमेल पर्सन है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं आपके करियर में. अब वो चाहे गाइडेंस के थ्रू हो, किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे वर्क करना हो, कुछ लोगों के लिए आपकी मदर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा. ओके, अगर आप किसी फाइनेंशियल चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी मदर से वो चीज़ ब्लेस करवाना, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी लकी रहेंगी. ठीक है, आपकी मॉम जो है या आपकी जो वाइफ है, कोई फीमेल फिगर है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हैं, काफ़ी ज़्यादा यू नो एक लक फैक्टर मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपके करियर में रहने वाला है इन दिस वीक. ओके, एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग क्रिएटिव, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग परमिशन फ्रॉम योर मदर फॉर द सेम. ओके, विदाउट योर मदर देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन डू. सो लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि.
सो तुला राशि वालों के लिए पहली चीज़ तो ये कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड ऑरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपके ऑरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। जब हमारा वीक ऑरा होता है, हमारी बाउंड्री मेकिंग स्ट्रांग नहीं होती है, हमें नज़र भी बहुत जल्दी लगती है, हम पे साइकिक अटैक्स भी बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारा जो पीस होता है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर क्रेविंग्स, टेम्पटेशंस, डिज़ायर्स, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं और हम इसी लूप में फंसते चले जाते हैं। हम इन्हीं चीज़ों का सहारा लेके, सपोर्ट लेके, उसी वहीं पे हमें एक वो कंफर्ट मिलने लग जाता है उस प्लेजर में, लेकिन अंदर ही अंदर हम कम्प्लीटली ख़त्म हो रहे होते हैं, एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं, ड्रेन हो रहे होते हैं। तो इस वीक के अंदर आपको जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपको थोड़ी सी इमोशनल सपोर्ट की नीड है, ठीक है, जो आपका थीम रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, वो आपको काउंसलिंग के थ्रू मिल सकता है, किसी अपने मेंटोर के पास जाके बात करना, किसी से कुछ एक्सप्रेस करना, बिकॉज अंदर आप काफ़ी अकेले दिख रहे हो, ठीक है। अंदर ही अंदर एक लोनलीनेस है जो बढ़ती जा रही है, आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, और जिसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो, काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, हीलिंग्स के लिए जा रहे हो, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी अपनी आगे की जर्नी में, ठीक है। कमिंग टू योर लव लाइफ, लव लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा डिस्टेंट दिख रहे हो, ठीक है। इतना ज़्यादा आप कंसर्न्ड नहीं दिख रहे हो किसी को भी लेके, बिकॉज आप अपने आप को लेके इस टाइम पे ज़्यादा कंसर्न्ड हो इस पूरे वीक में, ओके। तो आपने अपने इमोशंस को या अपनी रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं एक बैक सीट पे रखते हुए दिख रहे हो, बिकॉज और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये चीज़ आपके इम्पॉर्टेंट भी है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ राइट नाउ, टू फोकस ऑन योर इंडिविजुअल सेल्फ लव जर्नी राइट नाउ, ओके। बिकॉज कोई पर्सन है तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू देयर ओन जर्नी, इनकी भी अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी चल रही है, इनकी एक सेल्फ लव जर्नी चल रही है, बट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जर्नी चल रही है, ठीक है। आप काफ़ी लोगों के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज करने की नीड है, अपनी बाउंड्रीज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की नीड है, एंड नॉट जस्ट रोमांटिकली बट इन योर फ्रेंडशिप्स, इन योर फैमिली, इन योर वर्क लाइफ, एवरीवेयर, हर जगह आपको, बिकॉज आप लोगों को ना इट्स लाइक आपका एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बट आप अपने कैरेक्टर को अपने हाथ से ही खराब करते हो जब आप लोगों को वो एक्सेस दे देते हो कि आओ मेरे ऊपर से चढ़ के चले जाओ, तो आप ब्रिज बन रहे हो काफ़ी लोगों का जो आपको नीड नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग अबाउट योर करियर। करियर में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम तक छोटे छोटे ऐसे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस आएंगे और बहुत छोटे छोटे होंगे, इट्स लाइक बहुत टेम्प्रेरी चैलेंजेस आएंगे, बट एटलीस्ट 7-8 ऐसे चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं जो आपको फेस करने हैं, ठीक है। एंड इट्स लाइक ये करने ही हैं आपको फेस, आप कुछ नहीं कर सकते हो इस चीज़ को लेके। कभी कभी हमारे प्लैनेट्स ऐसे होते हैं, हमारा टाइम ऐसा होता है जहाँ पे हम कितनी कोशिश कर ले बट हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो यू विल हैव टू फेस दोज चैलेंजेस, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो यहाँ पे थीम है, थीम में आई डू फील कि काफ़ी आपका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, एक कैरिज्मेटिक एनर्जी दिख रही है, एक चार्म दिख रहा है आप लोग की एनर्जी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो आप लोग। आप अपने लुक्स में कुछ चेंजेस लेके आओगे, या जो लोग अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखते हैं, आप लोग फिटनेस के लिए कुछ कर रहे हो, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो और वो जो रिजल्ट्स हैं वो आप अंदर से भी फील करोगे और लोग भी आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं, लोग आपसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाएंगे। आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, आप आसानी से उस पर्सन को कन्विंस कर पाओगे, तो इस टाइप की एक सोर्स वाली एनर्जी, स्ट्रॉन्ग सोर्स वाली। आपका सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, सोलर प्लेक्सस आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है,
आपकी लव लाइफ को लेके टेम्परेंस का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज हैं. ओके, आई डू फील कि हो सकता है आप किसी नए पर्सन से मिलो, किसी नए पर्सन के साथ, या रिसेंटली आपकी किसी से कोई बातचीत चल रही है, तो वहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस तरीके से होंगी. ठीक है, काफ़ी ब्लिसफुल एनर्जी लग रही है, बैलेंस, सीरीन, यू नो, पीसफुल सिचुएशन, हारमनी. ना कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ना कोई ऐसा लो इंटरेस्ट है, बट जैसे चीज़ें चलनी चाहिए वैसे चल रही हैं, एफर्टलेस तरीके से चल रही हैं. स्लो लव इज़ द बेस्ट लव इज़ व्हाट आई ऑलवेज बिलीव. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. किसी को जानने की कोशिश करना, साथ साथ अपने आप को भी टाइम देना, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से चलना, किसी को लेके एकदम पागल ना हो जाना, यू नो, जैसे होना चाहिए वैसा है बेसिकली. लेट्स सी करियर में. करियर में अवेयरनेस का कार्ड आया है, आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिल सकते हैं, आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिल सकते हैं, इंट्यूटिव डाउनलोड्स मिल सकते हैं अपने करियर को लेके. करियर में आप काफ़ी अवेयर होते हुए दिख रहे हो, आप कुछ एक्सपैंड कर सकते हो. अगर आपके बिजनेस है, आपका कोई फैमिली बिजनेस है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली एक्सपैंड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको आइडियाज़ मिलेंगे. आप इस चीज़ पे एक्ट करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली फैमिली बिजनेस वाली चीज़ को लेके तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं. काफ़ी अवेयर होके चलना. जिन लोगों की कोई टीम है वर्क लाइफ के अंदर या कुछ भी ऐसा, वहाँ पे आप बहुत अवेयर हो रहे हो, लोगों को आप अवेयरनेस वो दे रहे हो. एक कोच के जैसे आप बहुत अच्छा, यू नो, आप एक बहुत अच्छे कोच बन सकते हो. नॉट नेसेसरली साइकोलॉजी से रिलेटेड ही हो, बट अपनी अपनी फील्ड में यू नो कोच बनना, वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा. लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि धनु राशि वालों के लिए. सो धनु राशि वालों के लिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, जहाँ पे या तो आप किसी देवी में, जो भी आपकी कुल देवी हैं, या किसी देवी में अगर आप बिलीव करते हो, आपको अपनी प्रेयर्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए. जो लोग मेडिटेट करते हैं, आपको अपनी मेडिटेशन को और बढ़ाना चाहिए, और ज़्यादा आपको अपनी मेडिटेशन को लेके थोड़ा सा ऑनेस्ट होने की नीड है, और ज़्यादा परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट होने की नीड है, थोड़ा सा और डिटर्मिंड होने की नीड है. बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ आपके आस पास एनवायरमेंट में ऐसी कुछ डिस्टर्बिंग पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ें हो सकते हैं जो आपको, आपके अंदर कोई फियर क्रिएट करने की कोशिश करे, आपके अंदर एक टर्बुलेंस क्रिएट करे, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करे. सो इस वीक में आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप मेडिटेट करोगे, उतना ज़्यादा आपकी जो माइंड वाली बॉडी होती है, हम सबकी 5 एनर्जेटिक लेयर्स होती है, राइट, तो उसमें जो माइंड बॉडी जो होती है वो आपकी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो सकती है. एंड माइंड को अगर आपने कॉन्कर कर लिया, तो आप लाइफ में किसी भी चीज़ को कॉन्कर कर सकते हो, राइट. तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट थीम है, जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है. अबाउट योर लव लाइफ, लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो. आप ये चीज़ समझ रहे हो कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है, आपको कैसा पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में. काफ़ी लोग यहाँ पे विजन बोर्ड्स बना रहे हैं, यू नो, मैनिफेस्टेशन रेमेडीज़ हो सकता है कि आप करो, यू नो, एक अपने दिमाग में एक वो स्ट्रक्चर बनाना कि दैट दिस इज़ द पर्सन दैट आई वॉन्ट टू बी विद, दिस इज़ द पर्सन दैट आई नीड इन माई लाइफ. इस टाइप की एक एनर्जी है. आपको समझ आ रहा है कि आपको कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं. आई डोंट थिंक कि कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जिससे आप कोई बहुत बात कर रहे हो या बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो. इस टाइम पे आप अपने ड्रीम पार्टनर पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसा पर्सन आपको चाहिए. और दूसरा ये कि काफ़ी लोगों को, चाहे वो आप मैरिड भी क्यों ना हो, आपको ये भी चीज़ समझ आ रही है कि जैसा पर्सन आपको चाहिए वैसा आपको बनना भी पड़ेगा. तो आप इस चीज़ के ऊपर भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, अपने ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क करते हुए दिख रहे हो. जो आपके अंदर पहले एक परसेप्शन था कि अच्छा लड़का है तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करेगा, लड़की है तो उसकी ये जो परसेप्शन हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये हटते हुए दिख रहे हैं. सो न्यू बिलीफ सिस्टम्स इज़ समथिंग दैट यू आर क्रिएटिंग इन योर लाइफ. आपके करियर को लेके डेफिनेटली एक मूवमेंट होती हुई दिख रही है. कुछ आपके पास चॉइसेस आएंगी, कुछ आपके पास डिसीजंस आएंगे,
ओके, अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ करना है तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया. ठीक है, आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. आपका जो वर्क लाइफ होनी चाहिए वो कम्प्लीटली अलग होनी चाहिए. प्रोफेशनल लाइफ आपकी एकदम अलग होनी चाहिए. आपकी लव लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ एकदम अलग होनी चाहिए. सो अगर आप कुछ सोच रहे हो कि अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ करो, आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड आइडिया. एंड दूसरा ये कि आपका फोकस थोड़ा सा अपनी लव लाइफ में ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू आपके फाइनेंसेस. और आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप अपने फाइनेंसेस पे और अच्छे से फोकस करना स्टार्ट करो. कैसे आप अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर को और एक्सपैंड कर सकते हो, ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा ट्रैवल भी करना पड़े. फिजिकल ट्रैवल भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि. मकर राशि की अगर मैं बात करूं, इस वीक में कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा अटेंशन लेके जाएंगे. ठीक है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं. ये पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं. ओके, इस पर्सन के पास आपका कंट्रोल होगा या एक्सेस होगा. कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी दिख रहा है, बट मुझे एक स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी दिख रही है वो ये है दैट यू आर अलाउइंग समवन. आप किसी को वो अलाउ कर रहे हो कि हाँ ठीक है, आई वुड लव टू थिंक अबाउट यू, मुझे आपके बारे में सोच के बहुत अच्छा लगेगा. उस टाइप की एक मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है. इट्स लाइक यू वांट टू बी ब्लाइंडेड बाय लव, यू वांट टू बी ब्लाइंडेड बाय फीलिंग्स एंड ऑल ऑफ दिस. हो सकता है आप में से काफ़ी लोग काफ़ी टाइम के बाद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करो जिसकी वजह से यू वुड वॉन्ट टू गिव इन. ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग टेंडेंसीज हैं या आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग टेंडेंसीज है. कोई एक ऐसा पर्सन है जहाँ पे कोई गलत तरीके से भी आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा या आप कोई सिचुएशन को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे. अपने वर्क लाइफ में अगर आप कुछ भी अपने कंट्रोल में चाहते हो वो आपके कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी जो इंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है. आपकी इंटेंट काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, और वो आपको मिलता हुआ दिख भी रहा है. कमिंग टू योर लव लाइफ, लव लाइफ में काफ़ी एडवेंचरस चीज़ है. हो सकता है कुछ लोग डेट पे जाओ, हो सकता है किसी नए कनेक्शन को आप एक्सप्लोर करो, किसी पुराने पर्सन के साथ वापस एक न्यू स्पार्क आना, तो काफ़ी चार्मिंग एनर्जीज रहेंगी. ये पर्सन आपको काफ़ी गिविंग करते हुए दिख रहे हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं. इस टाइप की एक एनर्जी है. आप अपनी बहुत सॉर्टेड एनर्जी में दिख रहे हो कि बैठ के मस्त अपना मज़े करना, सामने वाले को एडमायर करना, इस टाइप की एक एनर्जी है. एंड सामने वाला आपको एडमायर करवाना चाहता है. ओके, दे वॉन्ट टू डू समथिंग स्पेशल फॉर यू, वो आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, तो उस टाइप की एक एनर्जी है. सो हैव फन इन दिस वीक. एंड अबाउट योर करियर, करियर के अंदर आई डू फील कि आप अपने सच के और पास जाते जा रहे हो. कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो जहाँ पे आपको सिर्फ करियर से मतलब नहीं है, बट आपको कुछ पर्पसफुल करना है, आप कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हो जिसका एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो, और उस चीज़ के आप पास जा रहे हो. धीरे धीरे आपको वो सच दिख रहा है कि आप क्या करने के लिए बने हो, क्या आपका पर्पस है, क्या नहीं है. यूनिवर्स इज़ ब्रिंगिंग यू टू दैट लेवल, उस लेवल तक यूनिवर्स आपको लेके आ रहे हैं. ठीक है, बट एकदम से ये नहीं होगा. हो सकता है इसके बाद भी 2-3 हफ्ते लगें उस कंप्लीट पिक्चर को देखने में, समझने में कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, बट डे बाय डे आप उस चीज़ के और ज़्यादा पास जा रहे हो. लेट्स सी अक्वेरियस के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है. अगर मैं बात करूँ आपकी थीम की, तो आइसोलेशन का कार्ड आया है. थोड़ा सा आइसोलेटेड, कोल्ड हार्टेड फील करना. ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे या कुछ ऐसा. ये जो आइसोलेशन है, इट्स बेसिकली अपने आप को एकदम कोल्ड हार्टेड बना लेना, जहाँ पे आप कुछ फील ना कर पाओ, जहाँ पे कोई इमोशंस की जगह ना हो. हार्ट चक्रा जो है थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ब्लॉक्ड दिख रहा है, तो
दो तरीके होते हैं जब आपका पॉस्चर कम्प्लीटली स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है, या तो आप बहुत ऐसे इस टाइप का होगा कि आपके शोल्डर्स एकदम पीछे जा रहे हैं और इस टाइप की एनर्जी बहुत ही मस्कुलर वाली चीज़, या फिर एकदम ऐसे झुका हुआ होगा, थोड़ा शैलो टाइप का होगा. सो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यू नो बहुत ही प्रोटेक्टिव और बहुत मस्कुलर इस टाइप की एक पॉस्चर मुझे दिख रही है. एंड जब हमारा पॉस्चर एक वैसा होता है, ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि जो पर्सन है ये थोड़े से कोल्ड हार्टेड हैं, या ये प्रिटेंड करते हैं. ये पर्सन शायद से है नहीं कोल्ड हार्टेड, बट ये पर्सन प्रिटेंड करते हैं दैट दे डोंट हैव इमोशंस और दे डोंट वांट टू फील इमोशंस. इस टाइप की एक एनर्जी मुझे आपकी लग रही है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस मंथ में, सॉरी इस वीक में. टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में आपको डेफिनेटली काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, ठीक है. किसी पर्सन को मिस करना, कोई मेमोरीज याद आना, आप में से कुछ लोग किसी अपने बचपन के दोस्त से या किसी बचपन के पर्सन से भी मिल सकते हो, अपनी पुरानी एल्बम्स देखना, मतलब पास्ट की मेमोरीज को याद करना, उनको लेके यू नो अच्छा फील करना, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिख रही है. बिकॉज कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते हो. एंड फॉर दैट यू माइट वॉन्ट टू गो टू योर पास्ट, बिकॉज आपका पास्ट कहीं ना कहीं कुछ मेमोरीज हैं जो आपकी बहुत अच्छी रही हैं एंड आप वो बार बार रिलिव करना चाहते हो. कमिंग टू योर करियर, करियर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको या तो हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ें आपके फाइनेंसेस को लेके, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल होने की नीड है अपने घर को लेके, अपनी होम लाइफ को लेके, ओके. बिकॉज इट सीम्स दैट यू आर वांटिंग टू डू समथिंग फॉर योर फैमिली, आप शायद से कुछ करना चाहते हो, आप एक वो अचीवमेंट चाहते हो, आप एक फाउंडेशन सेट करना चाहते हो और आप उसके काफ़ी क्लोज भी हो, ठीक है. इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा और एंथुजियाज्म के साथ कुछ चीज़ें करने की नीड है, और ज़्यादा अग्रेशन लेके आने की नीड है अपने वर्क लाइफ के अंदर, ठीक है, अपने होम को लेके. आप में से कुछ लोगों का एक डेफिनेटली गोल होना चाहिए. आप में से यू नो इट्स लाइक कि आपका कोई या तो मटीरियल गोल नहीं है कि मुझे एक घर खरीदना है या कुछ ऐसा. अगर आप कुछ ऐसे मटीरियल गोल्स रखते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे टू फील that inspiration, to be that motivated, okay. Let's see हमारी अगली राशि जो कि है Pisces, यानी कि मीन राशि. सो आप लोगों का जो थीम है that is actually to listen to your guru. अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी फ़िज़िकल फॉर्म में गुरु हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो गुरु हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने समाधि ले लिया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी गुरु में बिलीव ही नहीं करते हो. बट ऐसा कभी नहीं होता, हमारी हमेशा गुरु कॉन्शियसनेस होती है जो हमें ऊपर से यू नो मैसेजेस मिलते हैं कि अब आपको ये करना है. तो आप अपने गुरु के साथ बहुत कनेक्टेड हो, आपका जो जुपिटर प्लैनेट है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता हुआ दिख रहा है, गाइड करता हुआ दिख रहा है आपकी आगे वाली जर्नी में, ठीक है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ पे आप सेल्फ मास्टरी करो व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग टू द गाइडेंस, क्योंकि आपको गाइडेंस मिलती है. आप में से काफ़ी लोग काफ़ी यू नो ब्लेस्ड हो, ठीक है, किसी कोई गुरु से या कोई एक ऐसी हायर फोर्स है जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है, बहुत ब्लेस करती है. बट अब टाइम है कि आप भी उतना ही गिव बैक करो इस अपनी सिचुएशन में या अपनी इस लाइफ में या इन गुरु को. तो वो एक थीम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है. कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हो सकते हैं जहाँ पे अब हाई पॉइंट आ चुका है, थ्रेशोल्ड पॉइंट आ चुका है दैट यू नीड टू लर्न व्हाट यू हैव टू लर्न, ओके. अदरवाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं आगे जाके. कमिंग टू योर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप अबैंडन्ड दिख रहे हो, आप किसी को हो सकता है घोस्ट कर रहे हो. कहीं ना कहीं आप एक पर्सन से, आपको किसी पर्सन से बात करने की नीड है, बट आप इतनी डिसएंगेज दिख रहे हो, इतना ज़्यादा अलूफ दिख रहे हो, अपने आप को एकदम अलग कर देना, कॉर्नर कर देना, कोई इंटरेस्ट ना होना, जील ना होना चीज़ें ठीक करने की, एकदम लेज़ी फील करना, लिथार्जिक फील करना अपनी रिलेशनशिप में, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ओके. यू नीड टू बी मोर एक्टिव इन योर रिलेशनशिप. और जो लोग कम्प्लीटली सिंगल है वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपने किसी को घोस्ट किया है, किसी को आप इग्नोर कर रहे हो, किसी के टेक्स्ट मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो, और अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो वो चीज़ हटने वाली है, ओके. Talking about your career, career के अंदर I do feel that you need to speak more.
या तो आप बहुत साइलेंट रहते हो अपने काम के अंदर, अपने करियर में चुप चुप रहना, अपने ओपिनियंस ना रखना, कोई चेंज लेके आना चाहते हो तो वो नहीं लेके आ रहे हो, जो चल रहा है चलता ही जा रहा है, तो बहुत ही वियर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. यू नीड टू स्पीक मोर, यू नीड टू बी मोर एक्टिव इन योर करियर. अपने करियर में एक्टिव होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करना, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने करियर में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से काफ़ी ब्लॉक बन रहा है या कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं आने वाले टाइम में. सो इससे पहले कि ये शिफ्ट आए या इससे पहले कि ये चेंज आए, यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग मोर, यू नीड टू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग मोर. सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर.